और आज हम लोग जो है मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उधर जिया तैयार हो गई और इधर मम्मी भी तैयार है, ये भी तैयार है मंदिर जाने के लिए। वैसे घूमने में इसको भी थोड़ा मजा आता है। हम लोग पहुंच गए जी शिव मंदिर, जहां पर हम लोगों को आना था। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। आज हमने मना लिया अनंत चतुर्दशी और उसके बाद जो है आज जा रही है जिया और वर्षा मिलकर के पार्लर। हाँ जी, तो जिया को भी अपना हेयर कट करवाना था, वर्षा को भी करवाना था। हम करा रही हैं। अच्छा, जिया बोल रही है हम करवा लिए हैं, लेकिन फिर भी चल रही है, उसको अपना आईब्रो बनवाना है। तो अगर दिल करे हाँ बिल्कुल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस हुक्म करो आ जाएगा। मार्केट तो पहुँच के पीछे ही है ब्यूटी पार्लर, ठीक है, हम बगल में अपने दोस्त की दुकान में बैठ जाते हैं। The next day. अभी आए हुए हैं जी दुर्गा स्थान और यहाँ पर एक है फास्ट फूड की दुकान पर, तो पीछे मिल रहा है मोमोज और यहाँ पर अलग अलग वैरायटी का मोमोज मिल रहा होता है। और कटिहार में लगता है कि पहला कोई शॉप है जहाँ पर इतना वैरायटी का मोमोज है। यहाँ पर भैया कितना तरह का मोमोज है? यहाँ पे सात तरह का मोमोज है। कुछ नाम बता दीजिए का। जैसे तंदूरी अभी हम खाए थे, तंदूरी है, अचारी है, भगवानी है, अचारी है, हरियाली है, हरियाली है, क्रिस्पी है, उसके बाद फ्राई है, स्टीम है। वीडियो के जरिए हो सकता है कई लोग जान जाए, जैसे कि तंदूरी सिखाई जा रहा है। अच्छा, वेज में तंदूरी है, ये हरियाली में चिकन है। ओके, वेज नॉन वेज दोनों में ऑप्शन है। तो सूरज की गाड़ी आ गई है जी और चलते हैं तेजी से क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज। तो बैठ गए जी गाड़ी में, बाहर होने लगी है बहुत ही तेज बारिश, तो हमारे साथ जो है सूरज भी आया हुआ था। तो जी घर लेकर के जा रहे हैं, घर वालों के लिए भी पैक करवा लिया है, कुछ नया तरह का मोमोज है, तो उम्मीद करते हैं उनको भी पसंद आएगा, क्योंकि हम जो खाए हमें सच में काफी अच्छा लगा, जेन्युइनली अच्छा था। और यहाँ कोई भी प्रमोशन नहीं है, पेड प्रमोशन नहीं है, जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ मैं। और अभी चल रहे हैं, सूरज अपनी गाड़ी लगाएगा और वहीं पर मेरा बाइक है और बाइक से चलेंगे सीधा घर। यहाँ पर होने लगी है जी बहुत ही जबरदस्त बारिश और इस बारिश के वजह से मेरा बहुत ही मुश्किल लग रहा है निकलना। गाड़ी तो पार्क में लगा दिया है, देख सकते हैं गाड़ी यहाँ लगी हुई है, लेकिन यहाँ हो रही है बारिश बहुत तेज और हमारा मोमोज दिया हुआ है, मोमोज हो जाएगा हमारा ठंडा, फंस गए यहाँ पर अच्छा खासा। सूरज पीछे है वही रिकॉर्ड कर रहा है और इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से बारिश खत्म हो, घर निकलेंगे। वहाँ भी सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, आज घर में सब्जी भी नहीं है, हमें सब्जी लेकर के जाना था, तो अच्छा खासा सिचुएशन में फंसे हैं। नहीं होगा तो यहाँ से पनीर लेकर के जाएंगे, बना बनाया सब्जी घर में खाएंगे सब। गाड़ी पार्क करके हम आ गए घर और बारिश जो है लगभग एक डेढ़ घंटे तक वहाँ पर बरसती रही, इंतजार करते रहे, फिर बारिश जैसे ही छूटी जल्दी से भाग करके घर आ गए, सोचे कि फिर जो है बारिश में और ज्यादा देर ना फंसना पड़ जाए। तो वहाँ गए, जो भी सामान सब बोला था इन लोगों ने, पनीर लाने के लिए, मटर लाने के लिए, टमाटर लाने के लिए, तो सब कुछ जो है लेते आए हैं। और सब कुछ जब ले आए हैं तो जिया को वहाँ पर देख सकते हैं पनीर की सब्जी बना रही है, मटर पनीर की, क्योंकि मटर पनीर का जो सब्जी है मेरा मन पसंदीदा है। तो अच्छा रिकॉर्ड भी कर रही है, तो जिया जो है रेसिपी भी इसका डाल रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे। जिया यहाँ पर अपना फोन रखी हुई है रिकॉर्ड करने के लिए, तो कुछ इस तरह से जिया का रिकॉर्डिंग होता है। तो अगर आपको इसका रेसिपी देखना है तो जिया व्लॉग पे आ जाएगा कल। तो हाँ जी, तो उस चैनल पर आप जा करके देख लीजिएगा जो हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पे हम हमारे घर में जो डेली खाना बनता है ना उसी की रेसिपी डालते हैं, कोई स्पेशल नहीं बनाते हम, जो हमारे घर में डेली का खाना बनता है उसकी रेसिपी हम डाल देते हैं। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग को जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार जब वीडियो डालते हैं तो रेसिपी पूछते हैं सभी लोग। तो इसलिए हम कुछ भी नहीं बनाते जो हमारे घर के डेली में बनता है कि ये बनाना है, जैसे सबके घर में बनता है वैसे ही हम बनाते हैं, उसकी रेसिपी रिकॉर्ड करके हम डाल देते हैं। One hour later. अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और मैं जो है ब्लॉग देख रहा था नोमैडिक इंडियन भाई साहब का जी, उनका ब्लॉग जो है मैं रेगुलर देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेवलिंग ब्लॉग जो है काफी ज्यादा पसंद है, खुद भी ट्रेवल करना है, मुझे खुद भी ट्रेवल करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अभी जब से क्रियांश आया हुआ है तो उस तरह से ट्रेवल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और लगेगा कि अब जो है निकल सकते हैं तो हम भी जल्द ही निकलेंगे घूमने के लिए। फिलहाल हमारा खाना लग गया है तो जा करके सीधा खाना खाते हैं। और यहाँ क्रियांश को बहुत ही मेहनत से हम सुलाए थे, लेकिन क्रियांश जो है आराम से उठ गया है अपना, फिर मेहनत करना पड़ेगा इसको सुलाने के लिए, है ना क्रियांश? है ना, लगता है क्रियांश पुहवा पिएगा। जे पुहवा पीते, चलो कोई बात नहीं, उठले उठ के तैयार छे, तैयार छे, बाबा एले गोता एले, जे पुहवा पीते बाबा ने जे पोते दिन रात दादी दादा के पास बैठे रह, दिन रात दादी दादा के पास बैठे रह। और यहाँ पर मटर पनीर की सब्जी जी बन चुकी है और यहाँ पर चावल भी बन चुका है, तो चावल और मटर पनीर की सब्जी आज यह है हमारा भोजन, जो कि मेरा बहुत ही मन पसंदीदा भोजन है।
सुबह सुबह उठ के हैं और आज हम लोग जो है मंदिर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, बगल में ही भोले बाबा का मंदिर है और भगवती माता का मंदिर है, तो बहुत दिनों से प्लान बन रहा था। सही बात कह रही है जिया, लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे थे। भी बता देना। सिर्फ मेरी वजह से नहीं, अब चलना है बस इतना डालो, वो मेरी वजह से ही चल रहा है। वो बात ठीक है, तो चलते हैं जी। अब ऐसा करते हैं, गाड़ी लेकर के आ जाते हैं जी। अपना बाकी तैयारी कर रही है, सभी लोग यहाँ पर नहाएंगे और नहा करके जाएंगे, क्योंकि बिना नहाए मंदिर नहीं जाना है, तो चलते हैं। 20 minutes later गाड़ी को तो फाइनली ले आए जी, गाड़ी को वहाँ पर पार्क कर दिया है और यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग जो है नहा भी चुके हैं, बस मेरे नहाने की बारी है। तो अब जाते हैं, जल्दी से नहाते हैं और नहा करके सभी लोग यहाँ से निकलेंगे। हमारा तो हो गया जी नहाना, बारी है बाबू को नहाने की। बाबू का भी होता है मालिश और उधर जिया तैयार हो गई और इधर मम्मी भी तैयार है। ओ साड़ी बड़ा अच्छा लग रहा है, कौन दिया? मायके में मिला है, नेपाली दिया की टूली दिया की चिकू दिया। अच्छा। किसी एक भतीजा का तो नाम हम ले नहीं सकते हैं। हाँ। भगवान करे वो लोग आगे बढ़े, चित्र फुआ को पहनाते रहे। हाँ। अभी तो वर्तमान मेरी भाभी ही है, हम तो समझेंगे मेरी भाभी थी भाई के बदले में। अच्छा चलो बढ़िया है, तो जल्दी से चलते हैं, अब इसको भी नहा देते हैं और चलते हैं मंदिर। ठीक है बाबू, चले चलो। क्रियांश का नाई नाई हो गया है ना? नाई नाई हो गया ना क्रियांश, बजे में नहा लिया ना, एकदम लेंस में ये ध्यान से देखता है और जैसे ही लेंस सामने आता है क्रियांश एकदम शांत हो जाता है, एकदम जैसे लगता है कि इससे सीधा बच्चा कोई है ही नहीं, है ना? है ना क्रियांश? और जी अब सभी लोग तैयार हैं, बस बारी अब क्रियांश को तैयार करने की, तो जल्दी से क्रियांश को तैयार करते हैं फिर सभी लोग निकलेंगे। सभी लोग जी अब निकल रहे हैं यहाँ पर, सभी लोग तैयार हैं, क्रियांश भी हो चुका है रेडी और दादी से अभी बात कर रहा है। अच्छा उधर चला गया, घूमने में बहुत मन लगता है। क्या बोली? 1:30 बजे से पहले दूध नहीं देंगे, समझो समझ रहा है? 1:30 बजे पहले हम देते हैं, 11 बजे पिया तो 1:30 बजे देंगे। अच्छा बड़ा हो जाएगा ना तो कहेगा तुम 1.5 घंटा 2 घंटा मास्टरी वाला बात उधर रखो। चलो 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 सर चल। तो क्रियांश चल रहे हैं मंदिर, अब ये भी तैयार है मंदिर जाने के लिए। वैसे घूमने में इसको भी थोड़ा मजा आता है। पुआ का एक मुट्ठी बाल नोच लिया, बाल नोच लिया पुआ का। एक मुट्ठी से तो नहीं कर रहा बेटा, चलते हैं। सबको अंदर चला गया दिया, चलते हैं। बोलो बाबा, बोलो बाबा पर सुधा धरो, बोलो बाम हल हल महादेव, बोलो आपकी दया पर यात्रा हो रही है, आपकी दया से घर लौट के आएंगे। बोलो हर हर महादेव। चलो चलो एक बाबा उधर आ रहे हैं। हम लोग पहुंच गए जी शिव मंदिर, जहां पर हम लोगों को आना था। बीच रास्ते में कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि ड्राइव कर रहा था,